हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब, यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ आपको। और आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, खासकर उन यूट्यूबर्स के लिए जो कह रहे हैं कि हम वीडियोस तो अपलोड कर रहे हैं, जैसा कि न्यू यूट्यूबर जो अभी भी चैनल्स पे जिन्होंने काम शुरू किया उनको व्यूज नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब ने काफी ऐसे सख्त इकदाम किए हुए हैं, क्योंकि ऐसा एल्गोरिथम उन्होंने अपने चैनल का कर दिया है, अपने सर्विसेज का, अपने सर्च इंजन का, कि उस पर हम अगर कोई भी वीडियोस हम डालते हैं तो अगर आप न्यू हैं यूट्यूब पर तो आपको व्यूज तो बिल्कुल नहीं आने वाले। जब तक आप उस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक की तरफ शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको व्यूज तो बिल्कुल नहीं आने और ना ही आपको सब्सक्राइबर आएंगे। अगर आपका कंटेंट भी इस तरह का है कि आप शेयर भी नहीं कर सकते और सिर्फ व्यूज ही आना चाहें यूट्यूब से, तो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। उसके लिए आपको डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करनी होंगी और तकरीबन ये 3 से 4 मंथ तक ही आपको अपलोड करनी होगी, फिर जाके व्यूज आना शुरू होते हैं। और भी अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा हुआ, आपका थंबनेल अच्छा हुआ, फिर ही होगा। तो इसी वाले से मैं उन दोस्तों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये इसमें आपको क्या करना होगा, एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, आप उस गूगल क्रोम के एक्सटेंशन को यूज करके आप इजीली डेली मतलब आपके एक हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको जो है व्यूज आना शुरू हो जाएंगे और बकायदा आपकी वीडियो भी रैंक हो सकती है इसमें। और वो कौन सी एक्सटेंशन है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, किस ब्राउजर में कैसे इसको यूज करना है, सब कुछ मैं आगे जाके आपको पीसी पे दिखाता हूँ। तो आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को लास्ट से लास्ट में देखना अगर आप इससे फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो इस तरह के वीडियोज आपको आगे कहीं भी नहीं मिलने वाली और ना ही किसी ने ऐसे बताया हुआ, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ऐसी इन चीजें नहीं बताता कि मेरे मुझसे आगे ना निकल जाए, ये कहीं इसकी वीडियो ना फेमस हो जाए, हम क्यों बताएं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट से लाजमी देखिएगा और इस एक्सटेंशन को लाजमी यूज कीजिएगा। मैंने खुद भी इस वीडियो इस एक्सटेंशन को यूज करके बकायदा 2 से 3 मंथ के अंदर अपने चैनल पे 4000 घंटे और इसके अलावा कोई 4000 से 5000 मैंने सब्सक्राइबर हासिल कर लिए जो तकरीबन 2 से 3 मंथ के अंदर ही, और मेरी वीडियो वैसे ही रैंक हो जाती थी इसी एक्सटेंशन को, इसी कीवर्ड्स को यूज करके। उनमें जो हम वीडियो वहाँ पे जो टाइटल था हम वहाँ पे सर्च करते थे, उसके टैग आते थे, वो टैग ही वहाँ पे हमने डालने होते थे और उसके अलावा सारे बता रहा होता था कि ये आप टैग यूज करोगे इसके ज्यादा व्यूज आएंगे, ये यूज करोगे तो इसके कम व्यूज आएंगे। तो ये सब कुछ जो है एक्सटेंशन उसमें फ्री बताया गया और आपको फ्री इंस्टॉल करनी होगी, कोई इसके पैसे चार्ज नहीं देने होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, काफी मेहनत से वीडियो बनती है और अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये जी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और बात जो हो रही थी यही हो रही थी कि यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं व्यूज कैसे लाए जाए, तो उसकी एक्सटेंशन कौन सी है। तो ये गूगल क्रोम तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपके पास भी गूगल क्रोम जो है ये इंस्टॉल होगा और इसके अंदर हमने क्या करनी है, 2 एक्सटेंशन यूज करनी है और ये फ्री होती है। एक तो है ये वाली कीवर्ड एवरीवेयर और एक दूसरी जो है वो है आईविड आईक्यू, ये दोनों फ्री हैं और बिल्कुल रजिस्टर है। इसमें काफी लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, यूज करें, इसमें कोई भी आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता, ना ही कोई आपका ब्राउजर या कोई लैपटॉप आपका हैक हो सकता है। अब ये जो है एक्सटेंशन हमने यूज कैसे करनी है, इसको डाउनलोड कैसे करनी है। अब इसको डाउनलोड कैसे करनी है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेटिंग में और सेटिंग मैंने पास यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा होगा लिखा हुआ, ये जी एक्सटेंशन लिखा हुआ आ रहा है, बस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एक्सटेंशन हमने पहले भी डाउनलोड की हुई है लेकिन हमने क्या करना है, दोबारा डाउनलोड करनी है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये जो 3 लाइनें आ रही है इस पे मैंने क्लिक किया और ये आ गया ओपन क्रोम वेब स्टोर, वेब स्टोर आ गया। अब यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे सर्च करना है एक्सटेंशन का नाम कीवर्ड और ये मैंने इसको ओपन किया। जैसे ओपन किया तो ये देखें ये मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रहा हूँ, ये एडिड है, यहाँ पे देखें ये लगा भी आ रहा है और इसको 5295 लोगों ने जो है 5-स्टार रेटिंग दी हुई है ये और इसको काफी लोग यूज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने आगे करना ऐसे लिखा हो, ये ऐड टू क्रोम है ना, यहाँ पे भी ऐड टू क्रोम ही आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके क्रोम में यहाँ पे बन के ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरह दूसरी जो हमारी एक्सटेंशन थी वो थी विद आई क्यू, ये भी एडिट मैंने देखा ऐसे की हुई है, इसको भी हमने ऐसे करना है। इसमें भी 8,000 लोगों ने इसको किया हुआ है और इसमें आपने करना इसी तरह ऐड टू क्रोम पे यहाँ पे क्लिक करना और ये यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगी। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, ये बहुत ही जबरदस्त एक्सटेंशन हैं ये और इजिली हम इसको मतलब हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने कोई चैनल बनाया,
कोई सा भी, मैं कहता हूँ कि जॉब्स के नाम से मैं बनाता हूँ कि जनरल के जी नादरा में जॉब्स है, नादरा जॉब्स लिख देता हूँ मैं। अब नादरा जॉब्स मैंने लिखी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जैसे नादरा जॉब्स लिखे हैं तो यहाँ पे हमारे ना अभी राइट साइड पे ये हमें दिखा देगा यहाँ पे कीवर्ड्स। ये देखो इसे, ये जो कीवर्ड्स हैं ये मोस्ट यूजेज जो हैं, यूजेज एट क्रेडिट, मतलब ये ज्यादातर यूज होने वाले कीवर्ड्स हैं जो लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। और ये इस तरह सर्च करने से आपकी वेबसाइट ओपन हो सके, अगर आप अपनी वेबसाइट में या यूट्यूब में के चैनल में ये की टैग में ये यूज करेंगे तो कोई भी अगर नादरा जॉब 2019 में लिखता है ना तो आपका चैनल की वीडियो जो है उसके पास सामने आएगी, अगर आपने नादरा की बनाई हुई है, इसी तरह किसी भी कोई भी वीडियो बनाई हुई है। तो इसी तरह अभी नीचे भी शो होते हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहे। मैं अगर इसको दोबारा लिखता हूँ नादरा जॉब 2020, अभी ये जैसा कि अभी इसमें ये नीचे से अभी नहीं आ रहे यहाँ पे मौजूद, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा यहाँ पे कि पीपल जो है ज्यादातर क्या लिख के यू ओपन करते हैं इसको, मतलब क्या ओपन करते हैं तो क्या ये फिर जाके ये ओपन होता है। तो कभी लिखा होगा नादरा के स्पेलिंग उल्टे पुल्टे लिखे होंगे, या अगर लिखा होगा नादरा नौकरियां लिखी होंगी, नादरा सामे लिखी होंगी, इस तरह लोग ओपन करके ना आ रहा होता है यहाँ पे। अभी फिलहाल उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो मोस्ट जो है बेस्ट जो है कीवर्ड्स वो ये हैं, आपने ना 8 कीवर्ड्स को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको जैसे इसको कॉपी किया तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको आ जाना है यहाँ पे एक नोट पैड ओपन करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे आर्गुमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको इन्हीं कीवर्ड को यूज करना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा लास्ट पे कॉमास, आपने भी ये कॉमास लगाने हैं लाजमी। मैं खुद इन कीवर्ड्स को यूज करके ही मैं कामयाब हुआ हूँ अपने चैनल में, जो बहुत ही जल्द मुझे वास्ट टाइम मिल गया था, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे खासे मिल गए थे। अब मैंने इनको कॉपी किया, अब मैं ये मैंने वीडियो जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ये वीडियो नीचे मैंने यहाँ पे आके टैग में इसको डाल दिया। देखिए हमारे कीवर्ड ये बन गए यहाँ पे। इसके अलावा मैं अगर यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ पे अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास कीवर्ड्स होंगे। मैंने यहाँ पे ये वीडियो जैसे अपलोड की है तो यहाँ पे भी देखिए कीवर्ड्स शो हो जाएंगे और ये सब कुछ बता देगा यहाँ पे। यहाँ पे वो कह रहे जी हमें यार रेडी जो है ये फेल है, मैं दोबारा इस पर क्लिक। स्किप करके दिखाता हूँ पहले मैं ये जी, मैं अब इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहीं से वही दोबारा मैं वीडियो उठा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे होना शुरू हो गया और यहाँ पे शो करा दे। ये देखिए ये बता रहा है कि करेक्टर काउंट, कीवर्ड कॉपी, कीवर्ड सारा कुछ यहाँ पे, ये परफॉर्मेंस बता रहा होता है यहाँ पे। और इसके अलावा ये देखिए अभी यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, इसने बताया जी आपकी जो एससी स्कोर है इसका 9% है, टैग इसके अंदर 5 है काउंट हुए हैं अभी, और क्योंकि मैंने टैग इसमें लगाया हुआ, देखें टैग टैग इसमें लगे हुए थे मैं लगा दिए थे, और उसने इसको 5 कह दिया जी, 5/5 है इसके एसईओ, इसकी कीवर्ड टाइटल में हमने यूज नहीं किया, इसी जो टैग का जो एक हमने कीवर्ड टाइटल में भी यूज करना है। अगर मैं वही जो है कीवर्ड मैंने यहाँ पे लगाया इसके अंदर वही अगर मैं टाइटल में यूज करता हूँ, जैसे कि मैं इसको उठा के यहाँ पे भी डाल देता हूँ उस डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। तो उसके बाद ये देखो उसने चेकलिस्ट 9.2 कर दिया है। इसी तरह 2 से 3 आप टैग यूज करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी आप ये सारे नाम अगर डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे तो आपका एसई स्कोर और बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये एसई स्कोर और बढ़ जाएगा, अगर आप जो टैग में दे रहे हैं वही आप अगर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं तो आपका एसईओ जो स्कोर है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे
जो है उसने यहाँ पे तीन मेन बता दिए कि उसने कहा कि 60.5 जो जो है लोग मतलब मिलियन में आ रहा है ये, कि ये इतने लोग इस लिख के ये सर्च करते हैं, इसकी जो वैल्यू है इतनी है 60.5 और इसकी ये 67.8, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, अब ये देखो तीनों यहाँ पे ऐड हो गए होंगे इसके अंदर। ये देखिए ये तीनों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, इसमें ये तादाद बढ़ गई है, 500 ही होने चाहिए कीवर्ड जो मैंने ज़्यादा कर दिए। मैं ऊपर से कोई डॉलर कम कर देता हूँ, तो ये देखिए कम हो गए यहाँ पे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ पे हम अपग्रेड बूस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से इसको। और इसके अलावा यहाँ पे और भी डिटेल आ रही होती है जो अभी यहाँ पे आ नहीं पा रही, यहाँ पे भी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मोस्ट व्यू कंपटीटर हम यहाँ से जा सकते हैं, चैनल ऑडिट दे हैं, कीवर्ड इंस्पेक्टर हम जा सकते हैं, और ट्रेंड जो ट्रेंड है अलर्ट्स वो हम यहाँ से जा सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो बहुत सारे इसके फायदे यहाँ से आप इसको देख के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बोरिंग हो जाती है वीडियो ज़्यादातर। तो अगर आप इसको खुद ट्राई करें, अगर मसला आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे इजीली यूज़ करके हम डेली यहाँ पे अपने वीडियोस पे व्यूज़ ला सकते हैं। मेहनत तो है, एक मंथ आपको ऐसा करना होगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आप जस्ट आप वीडियो अपलोड करेंगे आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।